नमस्कार, मैं मयंक आर्य चंद्रा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको फायरवॉल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि फायरवॉल एक्चुअली कैसे वर्क करता है और क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आता है कि डेफिनेशन क्या होगी फायरवॉल की। तो फायरवॉल एक डिवाइस है जो कि ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। जो भी ट्रैफिक हमारे सिस्टम में आ रहा है और हमारे सिस्टम से जा रहा है या हमारे नेटवर्क में आ रहा है, जो ट्रैफिक और जो हमारे नेटवर्क से जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम फायरवॉल डिवाइस का यूज करते हैं। चोक पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द ट्रैफिक इन ए नेटवर्क, एक चोक पॉइंट है जहां पर हम कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को। ये क्या क्या काम करता है? पहला काम इसका नॉर्मली ये है कि इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन ए नेटवर्क सर्विस, जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है। केवल और केवल जो ऑथराइज ट्रैफिक है वो आ सकता है और जा सकता है, इसके अलावा कोई ट्रैफिक को ना आने देगा ना जाने देगा। सेकेंड जो वर्क है वो ऑडिटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सिस है कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर प्रेजेंट हो रहा है नेटवर्क में तो उसके रिस्पेक्टिवली ये अलार्म प्रोड्यूस कर देता है या एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर देता है। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में फायरवॉल कैसे है, कि दिस इज द आवर प्राइवेट नेटवर्क या हमारे लैपटॉप्स हैं उसके रिस्पेक्टिवली हमने एक फायरवॉल लगा रखा है और यहाँ पर इंटरनेट है। जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो हम जो रिक्वेस्ट है वो पहले फायरवॉल के पास जाएगी, फायरवॉल में उसको चेक करेगा कि हाँ लेगेसी मेड है या नहीं है, फिर उसको वो फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेट पे। फिर इंटरनेट के थ्रू अगर कोई पैकेट आते हैं तो फायरवॉल खुद उनको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा और अगर वो वैलिड हैं, सही हैं, तो उनको हमारे नेटवर्क में इंटर करने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायरवॉल वर्क कैसे करता है। तो फायरवॉल वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ट्रैफिक को पास करना है, कुछ ट्रैफिक को हमें ब्लॉक करना है। तो अगर हम ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं, वो जनरल बेसिक मेथड हैं, यहाँ पे हमने बता रखे हैं कि आप सोर्स आईपी एड्रेस या रेंज ऑफ आईपी एड्रेस के बेसिस पे आप कुछ को ब्लॉक कर सकते हो या फिर आप पोर्ट एड्रेस के बेसिस पे भी ब्लॉक कर सकते हो। वो सोर्स पोर्ट एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन रेंज आपने डिफाइन कर दी रेंज ऑफ एड्रेसेस की, उसके बेसिस पे आप ब्लॉक कर सकते हो। डेस्टिनेशन के आईपी पोर्ट के बेसिस पे आप ब्लॉक कर सकते हो या कुछ प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे आप ब्लॉक कर सकते हो पैकेट्स को। मेनली जो होता है कि पैकेट की जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर पे के हेडर में, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ब्लॉकिंग अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द बेसिक रूल फॉर फिल्टरिंग। एक्चुअल में ये क्या करता है, फायरवॉल फिल्टर करता है जिन पैकेट को जो अलाउबल पैकेट है उन्हें आने देगा, अदरवाइज उन बाकी पैकेट को ब्लॉक। फायरवॉल का आर्किटेक्चर क्या होता है? तो फायरवॉल हम दो तरीके का यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं। जो हम अपने लैपटॉप्स वगैरह में यूज करते हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड थोड़ा कॉस्टली होते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करते हैं। तो ये डायग्राम है कि फायरवॉल हमने अपने नेटवर्क से पहले आपने फायरवॉल लगा दिया, उससे पहले क्या राउटर से लगाया और इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड किया है फायरवॉल को, एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है और एक प्रॉक्सी फायरवॉल या एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल है। तो जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है वो नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या होता है? तो एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल इज ए राउटर that use a filtering table to decide which packet must be discarded or not forwarded. कि packet filter क्या है? Filtering करेगा, as a router की तरह work करता है, जो भी packet है उनको किसको forward करना है, किसको discard करना है, किसको block करना है, जो ये functionality होती है वो packet की information पे depend करेगी, उनके set of rules पे depend करेगी। तो उनको हम क्या, तो पहली कंडीशन क्या है कि अप्लाई ए सेट ऑफ रूल टू ईच इनकमिंग आईपी पैकेट, जो भी आईपी पैकेट हम आ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू उन पर हम रूल्स अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम जो फायरवॉल होगा वो उसको फॉरवर्ड करेगा या ब्लॉक करेगा या डिस्कार्ड कर देगा पैकेट। फिल्टर पैकेट गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, ये आ भी सकता है पैकेट और जा भी सकता है।
दो पॉलिसीज नॉर्मली होती हैं, या तो वो डिस्कार्ड करेगा पैकेट को या उसको फॉरवर्ड करेगा। ये डायग्राम है पैकेट फिल्टर फायरवॉल का, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे हमने पैकेट फिल्टर फायरवॉल लगा रखा है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। यहाँ से जो पैकेट आएंगे वो यहाँ पैकेट फिल्टर फायरवॉल पे वेरीफाई होंगे और उसके बाद हमारे नेटवर्क में एंटर करेंगे। तो एक और कंडीशन है, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो होता है वो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो और अदर इंफॉर्मेशन ये है कि जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल होते हैं वो जो पैकेट है उसके हेडर जो नेटवर्क लेयर पे हेडर अप्लाई हुआ है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर अप्लाई हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ब्लॉकिंग करते हैं या फॉरवर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बता रखी है कि पैकेट फिल्टर फायरवॉल दे रखा है, वो एक टेबल मेंटेन कर रहा है जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको अगर ब्लॉकिंग करनी है तो सोर्स आईपी एड्रेस के बेसिस पे आप ब्लॉकिंग कर सकते हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे भी आप ब्लॉकिंग कर सकते हो। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन के जो पोर्ट एड्रेसेस होते हैं उनके बेसिस पे आप ट्रांसपोर्ट लेवल पे ब्लॉकिंग कर सकते हैं। आईपी प्रोटोकॉल फील्ड के बेसिस पे भी आप ब्लॉकिंग कर सकते हो। ये प्रोटोकॉल डिफाइन करेगी कि किस प्रोटोकॉल के पैकेट की रिक्वेस्ट जा सकती है और पैकेट आ सकते हैं। दूसरा इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो नेवर्स है वो कौन सा है, किन नेवर्स को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसको नहीं करना है हमें पैकेट, वो इंटरफेसिस के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज सबसे पहले बढ़िया एडवांटेज क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है। दूसरा कि यूजर ने अगर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए हैं तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है फायरवॉल। थर्ड जो कंडीशन है दैट इज हाई स्पीड से आते हैं तो हमारी इंटरनेट की स्पीड भी मेंटेन रहती है। दूसरी फिर नेक्स्ट आता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्ट ऑफ सेटिंग अप पैकेट फिल्टर रूल्स, कि पैकेट फिल्टर रूल्स कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, ये डिसीजन लेना थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम इस कम्प्लेक्सिटी से आसानी से कर सकते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन होती है ऑथेंटिकेशन की, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसमें। पॉसिबल अटैक कौन कौन से हैं जो यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल पे। तो अगर हमने जो ब्लॉकिंग कर रहे थे वो आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे कर रहे थे तो हम आईपी एड्रेस स्पूफिंग का यूज कर सकते हैं, तो भाई उसमें वो पैकेट आ जाएंगे। सोर्स राउटिंग अटैक हो सकता है और टिनी फ्रेगमेंट अटैक हो सकता है। ये तीन टाइप के अटैक हैं या काउंटर मेजर हैं, आईपी एड्रेस स्पूफिंग हो गया, सोर्स राउटिंग अटैक हो गया और टिनी फ्रेगमेंट अटैक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल, ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। एप्लीकेशन गेटवे जो है रन ऑन ए सर्वर प्रोसेस टू रिसीव द रिक्वेस्ट, जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजनी है वो सर्वर प्रोसेस पे होती है क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉक्सी सर्वर डिजाइन करते हैं। द सर्वर ओपन द पैकेट एट द एप्लीकेशन लेवल, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है या पैकेट आया है सर्वर के पास वो उसको ओपन करके देखेगा अगर और फाइंड करेगा कि रिक्वेस्ट लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये हमने डायग्राम दिखा रखा कि एप्लीकेशन लेवल पे फायरवॉल ने कैसे करता है प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर एट द एप्लीकेशन लेवल की इंटरनेट है, ये फायरवॉल हमने अप्लाई कर रखा है। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो कहाँ जाएगी, पहले सर्वर के थ्रू जाएगी, वहां से अगर ठीक है HTTP तो वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी, अदरवाइज वो इधर भेज दिया जाएगा और पैकेट जो भी है वो एक्सेप्टेड पैकेट। एडवांटेज क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देन पैकेट फिल्टर के रिस्पेक्टिवली। ओनली नीड टू स्क्रूटनाइज ए फ्यू अलाउड एप्लीकेशन, कुछ अलाउड एप्लीकेशन आपने कर रखी है उन्हीं को स्क्रूटनाइज करेगा। इजी टू लॉग और ऑडिट ऑल इनकमिंग पैकेट, की ऑथेंटिकेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें ज्यादा। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड है ऑन ईच कनेक्शन, जितने हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे उसका एडिशनल ओवरहेड होता है। तो इसी के लिए हम थैंक यू, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथ के बैच।